हम लोग आ गए हैं आराधियम और आज हम लोग क्या पर क्या खाने वाले हैं? पनीर मटर और फिर छाछ पिएगा। आमरस पूरी तो है नहीं, अभी लेट होएगा। तो पनीर मटर 50 मिनट लगेंगे आमरस। तो अभी क्या पनीर मटर और रोटी और छाछ पी के निकलेंगे। पनीर मटर रोटी और छाछ पी के हम लोग निकलेंगे। तब तक मैं कोई न्यू वर्ड सर्च कर लेता हूँ आज का। कौन सा वर्ड डाल रहे हैं? बहुत ज्यादा यार वाइड एंगल के। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए आराध्यम से खाना खा के। आराध्यम ओके था, अच्छा था। फिर वो कैसा, पसंद आया क्या? पसंद आया? बहुत अच्छा था। ठीक है, मेरे को तो ठीक अच्छा लगा, खराब नहीं था, अच्छा था। आराध्यम कहाँ पे है? अपना वो हाईलैंड ढोकाली रोड से वहाँ नीचे हाईलैंड जाने के लिए जो रास्ता है, हाईलैंड के सामने ही है। अमर इंटरनेशनल से थोड़ा सामने के साइड पे आगे। अगर आपको विजिट करना है तो कर लो विजिट। हाँ, आराध्यम होटल ऐसा अच्छा तो लगा। थोड़ा टाइम लगाया वो लोग ने खाना मंगाया, खाना लाने के लिए। सर्विस में थोड़ा लेट हो रहा है वो, क्योंकि शायद पब्लिक भी बहुत था और सैटरडे संडे रहेगा तो फिर वो थोड़ा तकलीफ ही है। हर होटल में थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो बहुत अच्छा पनीर था उसमें। पनीर अच्छा था, मैंने तो पनीर मटर ही खाया और कुछ खाया नहीं। दही पनीर मटर मैंने भी खाया, मेरे को तो मस्त लगा। हाँ, तो ऐसा तो अच्छा ही लगा। रोटी अच्छा था। तो फ्रेंड्स, आज का नया वर्ड है क्या है भाई? एफिकेसी। हाँ, ई डबल एफ आई सी ए सी वाई, एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब क्या है? तू क्या यार, वो मैं भूल गया। एफिकेसी का मतलब, हाँ, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। बराबर। तो एफिकेसी और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है भाई साहब, आप बताएगा? ओ भाई साहब, एग्जांपल दे दे, एक एग्जांपल दे। एफिकेसी और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है? बहुत माइनर डिफरेंस है, बट मतलब कि एफिशिएंसी है ना वो। एक एग्जांपल दे देता है। अभी तेरा टॉय बॉक्स है और तेरा सामान तो इस पूरा भार पड़ा है। और अब मैं तेरे को बोलता हूँ, अरे एक मिनट, और हम लोग, मैं पापा बोलेगा मेरे को कि सारे टॉयज को 10 मिनट में अंदर जाना चाहिए। तो हमने 10 मिनट में तो डाल दिया, लेकिन ऑर्गेनाइज करके डाला। तो ऑर्गेनाइज जो करके उसमें डाला है वो 10 मिनट में, तो उसको वो एफिशिएंसी बोलते हैं। और सिर्फ 10 मिनट में फटाफट डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं? एफिकेसी। उसमें डिजायर्ड आउटपुट जो था, अपने को रिजल्ट जो चाहिए था, मेरे को 10 मिनट में टॉयज को अंदर डालना था, तो वो हम लोग ने काम कर दिया, राइट? तो उसको एफिकेसी बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज वैसे 10 मिनट में ही मैंने ऑर्गेनाइज करके डाल दिया पूरा बॉक्स में टॉयज को, फटाफट फ्लोर से निकाल के डाल दिया, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। वो भी मतलब कि दोनों का डिफरेंस पूरा सेम है, बट एक चीज बस आ जाता है, ऑर्गेनाइज एफिशिएंसी का ऑर्गेनाइज आ जाता है। हां, एफिशिएंसी करके डाल दिया, ऑर्गेनाइज करके डाल दिया। नहीं तो ज्यादातर बोलते हैं कि इकोनॉमिकल जो करते हैं काम, उसको भी बोलते हैं एफिशिएंसी। और कुछ तेरे को बोलना है? तो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या करने वाला है आज? आज तो हमने तो गए थे विवियाना मॉल, और विवियाना मॉल में पैंट को ले लिया, मतलब लिया नहीं है, वो आने वाला है, मतलब कि आज शाम को जाके देखेंगे, आ जाएगा शायद। ऑल्टर करने दिया है पैंट को। ठीक है, पैंट्स लिए और कुछ नहीं, वो छोड़ दे। बाकी दूसरा क्या है? दूसरा तो कुछ नहीं, आज तो हम दोनों की छुट्टी है। आज छुट्टी पे है पूरी? हाँ। चलो ठीक है, आज छुट्टी पे है, आज मजा करेंगे हम लोग थोड़ा। शाम को देखेंगे क्या कर सकता है। सुबह तो अपना मॉर्निंग वॉक हो गया है। मॉर्निंग वॉक, लेकिन पापा का होता है, मेरा तो कितना, मेरा तो रनिंग हो गया सुबह का। हाँ, तो रनिंग हो गया। हाँ, तू तो बहुत भागा, बहुत भागा, हर जगह पे भागते रहता है। हाँ, बहुत फास्ट भागता है, इसके लिए तेरा रनिंग तो हो गया है। मेरे को इतना जोर से काम में आवाज आ रहा था, एक बार ऐसा आवाज आएगी कि
स्पीड ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, कान में आवाज आ रहा था ऐसे, भागते भागते आवाज आ जाता है थोड़ा, और ठंडा हवा रहेगा तो और ज्यादा आता है। ठीक है ठीक है, तो आगे का वीडियो हम लोग आगे देखते देखते, आज पूरा दिन जैसे निकलेंगे हम लोग वीडियो ऐड करते जाएंगे, देखते जाएंगे देखते जाएंगे। और फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया, अभी हमने इवनिंग से स्टार्ट किया था ब्लॉग, कल रात से स्टार्ट किया और आज हो गया अपना आफ्टरनून हो गया भाई, गुड मॉर्निंग भी नहीं आफ्टरनून हो गया, 2 बज गया भाई, सब कुछ हो गया, 2 बज गया। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, टीवी देख रहा था, वो तेरे को बोर्ड पे लिखने का टाइम पास है। ठीक है भाई, और मैं तो मैथ्स के टेस्ट बुक में को जो से पहले उससे लिखता हूं। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं आगरी कट्टा में, अगर आपने आगरी कट्टा का नाम नहीं सुना है तो डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए और विजिट करना चाहिए। आगरी कट्टा यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर और फेमस नॉनवेज का कट्टा है। मैं आपको बता देता हूँ कितने लोग उधर खड़े हैं। वो कितने लोग खड़े उसको क्या करते हैं, मेन या पॉपुलर है ये, इसीलिए पब्लिक भी रहता है यहाँ पे। तो यहाँ का अगर आपको ट्राई करना है तो क्या ट्राई करोगे, पॉम्फ्रेट, वो भी रवा फ्राई, बेस्ट एकदम। ये है हाईलैंड के रोड पे, हाईलैंड के सामने के साइड पे, ये रेकड़ी है, आगरी कट्टा ही है, तो बहुत बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। कोलशेट में अगर आप आते हो तो ये आगरी कट्टा का बहुत जन ने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देखो, मैं जो आपको बोलता हूँ आप आओ और यहाँ पे पक्का लेके जाओ, या तो टेक अवे होगा तो टेक अवे कर लो, या तो फिर आप यहाँ बैठ के भी खा सकते हो। ये टपरी जैसा है बट बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, बहुत टेस्टी है। अगर आपको विजिट करना है तो कर लेना। हाँ, आपको विजिट करना है तो कर लेना। ये सामने के साइड पे क्या आता है देख ले, अंबर इंटरनेशनल के सामने है ये। हाँ, पीछे एग्जैक्टली अंबर इंटरनेशनल स्कूल के सामने है क्या? अंबर इंटरनेशनल स्कूल आपको पता ही रहेगा। एक मिनट रुकना, पीछे का देखने का ना, ये क्या है? ये देख, अंबर इंटरनेशनल, अरे फर्स्ट क्लास, अंबर इंटरनेशनल के सामने एग्जैक्टली वहीं पे लगता है ये। मतलब कि अंबर इंटरनेशनल स्कूल तो आपने देखा रहेगा। अरे बहुत मस्त है यार, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ट्राई करो, बहुत जन को यह पता है। एक चीज बताओ, अंबर इंटरनेशनल स्कूल का नाम नहीं सुना है, मतलब कि आपको पता भी, आपको, अरे ये सबको मालूम है, ढोकली रोड पे नीचे उतरने के लिए जो है हाईलैंड का रास्ता, आपको तो पता ही रहेगा वहाँ पे अंबर इंटरनेशनल स्कूल का है। अरे मैं बोलूं तो उसके सामने देखते, मैं बोलूं क्या, हो गया? हाँ। तो ढोकली रोड पे सिग्नल, ढोकली रोड का सिग्नल है, वहाँ से नीचे उतर के हाईलैंड का रोड है, तो वहाँ से नीचे उतर के आपको वो ढोकली रोड से लेफ्ट साइड पे अंबर इंटरनेशनल के सामने, बहुत बहुत ही सिंपल है, शाम के टाइम पे लगता ही है, 6 से 11 टाइम लिखा हुआ है वहाँ पे, 6 से 11 को लगता है, और आई थिंक सैटरडे को नहीं लगता, तो ट्राई करो देखो।